रामेश्वर में हमारे दूसर का बिरहा जात बा। आप बहुत सारी प्रयागराज की गीतों में, कुंभ वाले गानों में आपने बहुत प्यार दुलार दिया। यहाँ तक कि यूपी म्यूजिक की सबसे बड़ी उपलब्धि पियवा से पहले में आपने 19 मिलियन गीत को पार कराया। और आप सबसे हाथ जोड़ के ही विनती बा, यही आशा है हमार कि हमरे बिरहा के 25 मिलियन कैदा। बहुत बहुत आप सबके आभारी रहूंगी और ये पूरा म्यूजिक परिवार आपको आभारी रहेगा। और ज्यादा आशा या घमंड तो नहीं है बाबूजी, लेकिन आपके सामने अच्छा गीत प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। जहां तक है मेरा गीत संगीत जाए, लोग भक्तिमय हो जाएं और गीत मेरे तरफ से अश्लील नहीं रसील सुनने को मिलेगा। भूमिका की लाइन में कहना है मास्टर, कि कर्म को ही प्रधान बताते सभी, कर्म अन्य रूप दुनिया में मिलता है फल। हे प्रतिष्ठानपुर में सुघर साहसी, राजसुर से नमहि पाल दानी प्रबल, हरि अंग अंग में उठे वीरता की लहर, हर चंग जो सील जाओ हर जवानी रही। असर बंधा कर के सेहरा ओ लाए दुल्हन, अब सरा से सुगर उनकी रानी रही। बाबूजी आप सब जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं आज की दुनिया में कि आज के दुल्हा अगर डीजे ना गईल बारात में ना, लइकवा कहत बा हम बारात लेके ना जा। लेकिन बाबू पहले के दुल्हा युद्ध में जीते, युद्ध जीत जाए तब शादी होए। वैसे ने राजा सूरसेन प्रतिष्ठानपुर के, जो वर्तमान में झूसी बोला जाता है, आज बाबूजी प्रतिष्ठानपुर के बहुत ही सुघर, बहुत ही कर्मठ, बड़े ही वीर राजा सूरसेन थे। आज उनकी शादी एक युद्ध में जीत के सुंदर राजकुमारी से होती है। जब सुंदर राजकुमारी से होती है मास्टर साहब तक तर्ज लग गई। मर्यादित से गाते थे, धोती कुर्ता पहन के गाँव में, और धोती के कोन पकड़ के कहे मास्टर कौनो दुल्हन के पिया परदेश में बा, अब कहा है वो ऐसे तड़पत बिया जैसे खुटवा में बांधी भैंसिया। पेराता पेराता वैसे कहना है, अरे कर जाऊ चुम्मा दिहले जाया हो करे जाऊ। हाँ
लेकिन सुंदर मर्ज में कहना बा, आज जब राजा सूरसेन की सुंदर राजकुमारी से शादी होती है, तब दुल्हन जब आती है बाबू साहब, नया नया मिजाज है, नई नई दुल्हन है, क्या होता है? अरे विधना हो कैसन के मिलावेला तू बिधना, मिलावेला हो विधना कि केहू के हंसावे लन तो केहू के रोवावे लन। बाबू दुनिया में जिंदगी के दो पहलू हैं, एक सुख और एक दुख। अगर सुख और दुख जिंदगी में नहीं तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं बा। कैसे? हर केहू के हंसावे ला तो केहू के रोवावे ला। केहू के रोवावे लन। वैसे जब रानी की शादी हो गई, साल दो साल बीता तो उनके महल में खुशहाली आवे लगी। और खुशहाली का आवे लगी मास्टर? कहना है कि रानी गर्भवती भैली सजली महलिया। लाल हुई है गोदिया में देखी है जगतिया, अरे लाल हुई है गोदिया, अरे देखी है जगतिया जगतिया, हर लाल हुई है गोदिया में देखिया है जगतिया। ए भैया, आज जब धीरे धीरे समय बीता तो रानी के पेट में गर्भ हो गया। जब रानी के पेट में गर्भ हो गया तो माई बहनी पूरे महल में पूरे प्रतिष्ठानपुर में एकदम सहनाई बज गई। बाबूजी जब सहनाई बज गई तो सोहर के भाव में कहना है, अब कहना है हमारी माई बहनी बाबूजी अगर ओरिजिनल लड़का ना पाई ना सोहर गावे में तो एकदम डुप्लीकेटे लड़का बनाई के गाई देती हैं। अब बड़ा सुंदर गाती है, कैसे मास्टर? हाय हर खुशी वाला दीना नियरा गईले, खुशी वाला दीना नियरा गईले, जिया हरस गईले हो, राजा सूरसन गावे लन सोहरी।
गा रही हैं, तब कहना बा जब धीरे धीरे प्रसव की बेला नजदीक आती है बाबूजी, तो क्या होता है कि रानी के प्रसव वाली पीरा भैले लइका एक कीरा भैले हो, कि रानी के प्रसव वाला पीरा भैले लइका एक कीरा भैले हो। राजा भेदवा छिपावे लन बखरिया की जग मगना करिया भैली हो, लड़का पैदा भइल, नगर में शोर हो गइल, दासी लोग जाए के बजाई राजा साहब बड़ा अनर्थ हो गया, कहाँ बतावा लगत बा लड़कीया भइल बा, वही से अनर्थ कह ले बा, कहाँ चला दाई जौन कर्म में बदा बा वो हो के रही, चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का, ये सब भगवान के देन बा। लेकिन बार प्रभु की माया, भोलेनाथ की महिमा महान है। दासी बोली कि प्रभु न लड़की पैदा भइल न लड़का पैदा भइल, कहाँ बतावा फिर का पैदा भइल, कहाँ तोहरे रानी के पेट से एक सांप पैदा भइल। राजा साहब तुरंत मोहर निकाल ले दे दिया, कह लो राज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रानी के पेट से सांप हुआ है। आज बाबू साहब दासी भेद को छिपा लिया, तब कहना बा दर्ज लग गई मास्टर साहब। ये भैया सावन के महीना में कमरिया लोग जाते हैं, एक तरफ से डाक बम वाले, एक तरफ से बोल बम वाले नारा लगाते हैं, बोल बम का नारा है। ये तो पहले नंबर वाला भक्त बोले, जौन दूसरे नंबर वाला रहे कहा जो बाबा को भूलेगा, जौन तीसर के नंबर वाला रहे अक्सर हमरे चाचा जैसे बहुत लालची किस्म के रहे। ए भैया वो कहे भोले बाबा मेरी मुरादे पूरी करो, अब अक्सर जौन पीछे रहत भाई हमरे अजय भैया जैसन, ये लोग काम गड़बड़िया देते कहा बोल बम हर हर, तो ऐसे लोगन से भैया सावधानी बनाई के रखिया, कहना है हर जाए के देव घर, जाए के देव घर न दूसर सहारा, ये डाइवर बाबू हे डाइवर बाबू आरा के कितना लागी भारा, हे डाइवर बाबू प्रभु, हम के नहीं देखे के बाद 18 नहीं 21 साल ना देखा के अनहर लंगड़ा होई। आज बाबू साहब जब भेद को छिपा लिए, वही लड़कवा जब धीरे धीरे सपवा बड़ा होए लगल, तो आदमी के जैसे बोले लगल, जब आदमी के जैसा बोले लगल बाबू साहब, तो एक दिन राजा साहब सभा लगाए बैठे रहे और नगवा फनफनाए के राज सिंहासन में बैठ गया। जब राज सिंहासन में बैठ गया सब लोग अफरा तफरी मच गई, बाबू हमारे अजय भैया लोगन मास्टर लोगन भागे लगे, कहा भैया भागा सांप आई बा। राजा साहब कहा भैया ये सांप फालतू नहीं बा पालतू बा। नौवा पंडित जी कहा यार हम समझे नहीं, तो लड़कवा का कह ले बा हर नाग कहई की, कबले सपना संजोई, बतावा बाबू
गलती भयल भारी मिलल ऐसन चेहरा अरे गलती भयल भारी मिलल ऐसन चेहरा कैसे बंधाई बाबू सिरवा में से हरा लड़िकवा कहले बा कि बाबू हमार शरीरिया सांप के हो गइल बा यही से हमार शादी न करबा आज सब लोग अवाक हैं कि राजा साहब का ये पुत्र है ये आदमी के जैसे बोलता है वही समय नहुआ पंडित जी कहें राजा साहब आप चिंता जिनकी हा तोहरे लड़का की शादी हम कराऊं अब बाबू साहब कहना पड़ा टेरी के भाव में अरे दुल्हनिया कैसे कीरा के बनी कौनो राजकुमारी राजा के बिटहिनिया हो ए भैया कौनो राजकुमारी राजा के बिटहिनिया दुल्हनिया कैसे कीरा के बनी आज कहना है अरे नौवा पंडित खोजे निकले पाकर के राजा का यदे अरे फिक्र करत गए विजय के द्वारे जो रहते पूरा बके दे अरे बिटिया उनकी रही सया भोगपति जब सुना संदे हर भाग में मेरे नागपति हैं हर भाग में मेरे नागपति हैं सुन करके भाई हुआ कले कैसे शादी हो यही जैसे कौनो नागी मिले तब तो ठीक बा और कौनो राजकुमारी से शादी हो जाए एक ऐसे किया तो मानो बिचारी जिंदगी साफ बा ए भैया नौवा पंडित जी कहे चिंता जिन करा राजा साहब शादी बड़े धूमधाम से होई आज जब पूर्व के देश में राजा साहब आदेश देते हैं आज जब नौवा पंडित जी पूर्व देश जाते हैं राजा विजय के राज्य में उनके बिटिया के नाम रहा भोगवती आज जब उनके बिटिया राजा साहब कहें बतावा किस कारण से आप आए हैं कहें राजा साहब सूरसेन राजा सूरसेन के एक लड़का बा उन्हीं की शादी के लिए आए हैं कहें एक लड़की हमरो ऐसा करा लड़की है के साथ कही दा नौवा कुछ लपरहा रहे बाबू कहे बाब राजा साहब अरे लड़कवा कुछ विकलांग बा राजा साहब कहे राजा हूँ राजा हम अगर थोड़ा थाड़ी विकलांग है लड़का तो चल जाएगा नौवा कहे पर राजा साहब पूरा शरीरिया से विकलांग बा कहे वो के सांप के शरीरिया बा वो आदमी के जैसे बोलत बा राजा साहब कहे यार कल के दरवाजे बारात आई तो लोग कहेंगे कि राजा साहब के दामाद सांप है बड़ी बदनामी होगी नौवा कहें राजा साहब ये चिंता छोड़ दा हमरे तरफ डोला बियाह चलत बा और तुम्हारे दामाद के क्यों देखना पाई तुम्हारे बिटिया की शादी हो जाई
आज राजा साहब कहा यार क्यों देख ना पाओ, शादी हो जाए तब तो और अच्छी बात है। आज बाबू साहब शादी की तैयारियां होने लगी तब कहना है। कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, अरे मिर्जापुर के, अरे मिर्जापुर के भैला गुला जा रहो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। कैसे हर डोला विवाह होई, हर डोला विवाह होई, डोला विवाह होई राजाऊ, चातुर नाऊ बात झट्टा बोलाओ कि डोला विवाह होई राजाऊ। कहना है आज राजा साहब कहां तब तो कोई नहीं जान पाएगा कि मेरी बेटी की शादी एक सांप के साथ हो रही है। आज बाबू साहब जब डोला में बैठाए के अपने बिटिया के चल दिए और हर तैयारी भी होने लगी प्रतिष्ठानपुर में, तब कहना है। अरे लड़का का योग नहीं आवे के भवनवा, लड़की ले आवा अपन हमारे भवनवा, अरे डोला विवाह होई राजाऊ, भोला सबके इच्छा करी है पूरा हो, डोला विवाह होई राजाऊ। भोगवती राजकुमारी को आज विजय राजा जी दरबार में लाते हैं सूरसेनपुर में, आज प्रतिष्ठानपुर में लाते हैं राजा सूरसेन के दरबार में, तू नगवा बड़ा खुशी बा और सपवा बड़ा खुशी बा, का कहले बा कहना है। आज बड़ा खुशी है साहब, पूरे नगर में बाजा बज गया कि आज राजा साहब के राजकुमार की शादी हो रही है। अब तर्जिया वही बा मास्टर, हरे झूलनिया झूलनिया, हरे झूलनिया के गुंजवा, हरे टूटल ये राजा
जवनिया के गड़िया छूटल हे राजा। लेकिन कहना है हर बाजल नगरिया में हर बाजा ये बाबू बनला नगवा दूल्हे राजा ये बाबू। प्रतिष्ठानपुर में लेकिन कैसे, अरे शास्त्र विधि से हो गईले विवाह हो। हरे उठाए माया सागर में लहराया था हो, दूल्हे राजा ये बाबू। ए भैया आज जब एक तरफ सांप बा एक तरफ सुंदर राजकुमारी, दुल्हवा देखे दुल्हनिया के तो बड़ा मन मन खुशी हो, बड़ी ब्यूटीफुल दुल्हन मिली बा। आ जब दुल्हनिया देखे दुल्हवा के तो बिचारी के खून झुराई जाए कि नाग के साथ हमार कैसे जिंदगी बीती। आज बाबू साहेब विधि विधान से विवाह हो गया, संपन्न हो गया, तब क्या होता है गोल्डन नाइट सुहाग रात की जब बेला आती है मास्टर, तब पापड़ के भाव में कहना है अरे हो गई ली जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में, हो गई जब पहली मुलाकातिया सुहाग रतिया में, ना बतावे लागल बीतल बतिया सुहाग रतिया में। बेला जब नजदीक आती है, ए भैया अपने सैया के आरती सजाए के एकदम आरती उतारत बा, जहार जहार आरतिया उतारत बा मास्टर साहब, वहार वहार ऐसे 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 फन काढ़त बा सपवा, इतना दुल्हिया के चाहे। लेकिन ए बाबू आज वो लड़की पूछती है, राजकुमारी पूछ रही है के सैया आखिरी बतावा, आप इतना राज घराने में पैदा हुए, आपके शरीर सांप का क्यों हो गया? तो सांप क्या बताता है, हरे मिला श्राप हमें शिव जी का, सुना हमारी प्यारी हो, मिला श्राप हमें शिव जी का, सुना हमारी प्यारी, आ दुनिया में ना टल सके जो हो वही हो ना हारी। मतिया सुहाग रतिया में, ओ अलग अलग बाया अपन किस मतिया सुहाग रतिया में, दुनिया में न टल सके जो हो वही हो ना हरी किस्मत रतिया में। ए भैया भोलेनाथ की महिमा परंपार बा, सांप से पूछती सैया बतावा अपन सांप के शरीरिया कहे के हो गई बा,
उसपो बतावत बा कि क्या बताऊं रानी, मुझे पूर्व जन्मों का श्राप मिला है। श्राप क्या मिला है आल्हा के भाव में? अरे ना हाथ जोड़ गोरी का है कि हाथ जोड़ गोरी का है, बतावा पिया बतिया बाबू। अरे नाग कहे कि गलती भैले सारा का, अरे शिवजी के हाथवा के रहली कंगनवा रानी। क्रोधित होई के श्राप दिए हमके परिया, अरे रूपावा सजा के आओली, रूपावा सजा के आओली, रूपावा सजा के आओली गौरा महारानिया भैया। गिरले चरणिया में गिरे भारा, ए भैया आज वो सांप बताता है कि क्या बताऊं रानी, मुझे भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया। पूर्व जन्म में जब मुझे कंगन के रूप में भोलेनाथ जी पहने थे, वही समय गौरा माई एकदम चेहरा सजाई के आई, भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई। भोलेनाथ जी देखकर उनको मुस्कुराने लगे। और वही समय बाबूजी नगवा कहत बा कि वही समय गौरा माई के देख के हमहू हंस दिया, बर्दाश्त न हुआ, हम भी हंस दिए। तो क्रोधित होकर सांप श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जिस तरह मेरी पत्नी को देखकर हंसे हो, अगले जन्म में तुम मानव के पेट से तो पैदा होगे, लेकिन तुम्हारा शरीर सांप का होगा। वही समय मैंने क्षमा मांगा कि प्रभु मेरा उद्धार करो। तो कहने लगे कि तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से होगी और वो तुमको गोमती नदी में स्नान कराएगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब इतनी बात सुन पाया वो राजकुमारी, तो तुरंत अपने सपवा के हाथ में ले लिया। और जब सांप के हाथ में ले लिया, बाबू साहब चल दिया गोमती नदी की तरफ। तो अंतिम भाव में खड़ी के भाव में कहना बा मास्टर, पत्ती बढ़ाई दा। अरे नारी कहे की, हो नारी कहे की चल के अब नहाला सजना, नारी कहे कि चल के अब नहाला सजना, अब अपन बिगड़ल जीवनिया बनाला सजना। कर हाथ में अपने गई स्नान कराया, अब मानव का सुंदर सुघर रूप नारायण गईले पाया हो, कि नारी कहे कि अब तो गरवा लगा ल सजना, अब अपन बिगड़ल जीवनिया बना ल सजना। जब
राजा, वो सुंदर सुघर रूप नारायण एकदम राजकुमार हो गया। आज बाबू साहेब ये गीत मेरी ब्रह्म पुराण में आप 478 पेज नंबर में कहानी पढ़ने को मिलेगी। आप ब्रह्म पुराण में खोजिएगा गीत सिद्धुई, और हाथ जोड़ के विनती बा कि आप सभी को ये गीत बहुत पसंद आएगी। और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि बिटिया और निरंतर अनवरत गीत संगीत में आगे बढ़ती रहे। कहना है कि गुरु बिहारी गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी हो। पुजारी अरे पुजारी हो, अरे दुल्हनिया कैसे कीरा के बनी, कि दुल्हनिया कैसे कीरा के बनी, कि गावे आकंचा शारद के अब भजनिया हो। दुल्हनिया कैसे कीरा के बनी, प्यार की